दोस्तों, द डेड मैन, द अंडरटेकर और द बिग रेड मशीन केन के रिटायर होने के बाद आज के समय में द फिंड ही एक ऐसा डरावना और खतरनाक रेसलर था जिसे WWE फैंस काफी पसंद किया करते थे। पर दुर्भाग्यवश 31 जुलाई 2021 को WWE ने द फिंड ब्रे वाइट को निकाल दिया। तो आइए जानते हैं द फिंड के WWE में 10 सबसे डरावने पलों के बारे में, जहां फिंड ने जमकर अपनी दहशत फैलाई। नंबर 10, अटैकिंग WWE हॉल ऑफ फेमर्स। दोस्तों, 19 अगस्त 2019 के मंडे नाइट रॉ में WWE हॉल ऑफ फेमर जेली लॉलर अपने द किंग्स कोर्ट के सेगमेंट को होस्ट करते हैं। कुछ समय के बाद अचानक से अरीना की लाइट्स बंद होने लगती हैं और धीरे धीरे करके चारों तरफ अंधेरा होने लगता है। यहाँ जेरी ये समझ गए थे कि ये सब द फिंड के आने का संकेत है। इसी वजह से जेरी रिंग छोड़कर भाग खड़े होते हैं, पर जैसे ही वो एंट्रेंस स्टेज पर पहुंचे, सारी लाइट्स बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक से वहां द फिंड प्रकट हो गए। फिंड की आहट से जैसे ही जेरी पीछे पलटे, वैसे ही फिंड ने उन्हें मैंडिबल क्लो दे मारा। इस वजह से जेरी बेहोश हो गए और फिंड वहां से गायब हो गया। इसी तरह से फिंड ने कई सारे हॉल ऑफ फेमर्स जैसे कर्ट एंगल और हार्डकोर लेजेंड मिक फॉली को अपना शिकार बनाया था। नंबर 9, अटैकिंग द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों, 23 सितंबर 2019 के मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन और यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस के बीच सिंगल्स मैच चल रहा था। जैसे ही ब्रॉन रॉलिंस को रनिंग पावर स्लैम देने जाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा छाने लगता है और द फिंड ब्रॉन स्ट्रोमैन पर मैंडिबल क्लो की मदद से हमला कर देता है। फिर जब फिंड रॉलिंस की तरफ देखता है तो वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इतने में ब्रॉन फिर से उठने लगते हैं और जैसे ही वो फिंड की नकल करते हुए रेंगने लगे, वैसे ही फिंड ने उन्हें फिर से मैंडिबल क्लो दे मारा और बेहोश कर दिया। नंबर 8, अटैकिंग डीमन केन। दोस्तों, 16 सितंबर 2019 के मंडे नाइट रॉ में द ओसी बॉबी रूड और डॉल्फ जिगलर मिलकर सेथ रॉलिंस को पीटने लगते हैं, जिसके बाद वहां डीमन केन अपने धमाकेदार अंदाज में अकेले ही 5 रेसलर्स पर भारी पड़ जाते हैं और सबको ठोक डालते हैं। वहीं अंत में स्टाइल्स और एंडरसन को डबल चॉक स्लैम दे करके जैसे ही केन अपना लेजेंडरी पोज करने जाते हैं, वैसे ही द फिंड की आहट होती है। सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और अचानक से द फिंड केन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही केन पीछे पलटते हैं, वैसे ही फिंड उन्हें मैंडिबल क्लो में फंसा लेता है। इस वजह से केन कुछ नहीं कर पाते। केन को बेहोश करने के बाद फिंड सेथ रॉलिंस को डराता है। नंबर 7, अटैकिंग एलेक्सा ब्लिस। 31 अगस्त 2020 के स्मैकडाउन में निक्की क्रॉस मैच हारने की वजह से गुस्से में एलेक्सा ब्लिस को धक्का देकर उन्हें रिंग में अकेला छोड़कर चली जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद अचानक से वहां अंधेरा छा जाता है। फिर जैसे ही रोशनी आई, द फिंड वहां आ गया और उसने एलेक्सा ब्लिस को डराना शुरू कर दिया। कुछ समय तक एलेक्सा को डराने के बाद अचानक से फिंड एलेक्सा के मुंह में उंगली डालकर उन्हें मैंडिबल क्लो दे देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। इस हमले के बाद से एलेक्सा ब्लिस काफी ज्यादा बदल गई थी और आज भी वो वैसी ही है। नंबर 6, शॉकिंगली एमर्जिंग फ्रॉम द एम्बुलेंस। 21 अगस्त 2020 के मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन भोले भाले ब्रे वाइट पर बुरी तरह से हमला करते हैं, जिस वजह से ब्रे वाइट बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इन सब के बाद उन्हें तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में रखा जाता है। लेकिन एम्बुलेंस के चलने से पहले ही वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब डर गए। दरअसल कुछ ही देर बाद अचानक से एम्बुलेंस के अंदर लाल रोशनी आ जाती है और जैसे ही गेट खुला, बैकस्टेज वर्कर्स के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें से भोले भाले ब्रे वाइट नहीं बल्कि डरावना फिंड बाहर आया था। नंबर 5, स्कैरिंग डेब्यू। दोस्तों, 15 जुलाई 2019 के रॉ में जब
फिन बैलर अपनी जीत का जश्न बना रहे थे तब उनका जश्न मातम में बदल गया जब ब्रे वाइट ने पहली बार फिन के रूप में डेब्यू किया और फिन बैलर को अपना सबसे पहला शिकार बनाया। फैंस ब्रे वाइट के ऐसे डरावने रूप को देखकर बहुत हैरान थे। इस वजह से समर स्लैम 2019 में इन दोनों के बीच सिंगल्स मैच होता है जहां फिन बैलर की गर्दन मोड़ देता है और कुछ ही मिनटों में बैलर का काम तमाम करते हुए उन्हें उस मैच में हरा देते हैं। नंबर 4, ड्रैग सेथ रॉलिंस इनटू हेल एंड डेंजरस लुक। 11 अक्टूबर 2020 के स्मैकडाउन में जब सेथ रॉलिंस का मैच रोमन रिंग्स के खिलाफ हो रहा था तो अंत में जब रॉलिंस बिग डॉग को अपना फिनिशर द स्टॉप देने जाते हैं तभी वहां द फिंड अचानक से रिंग फाड़ कर आ जाता है और सेथ रॉलिंस को रिंग के नीचे ले जाता है जिसे WWE में हेल यानी कि नर्क कहते हैं। कुछ ही देर के बाद वहां से धुआं निकलता है और धुएं के साथ साथ सेथ रॉलिंस भी बाहर आ जाते हैं। फिर से अंधेरा हो जाता है और द फिंड एंट्रेंस स्टेज पर मौजूद होते हैं। यहां सेथ की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। नंबर 3, किकआउट ऑफ 11 कर्ब स्टॉम्प्स एंड सेथ रॉलिंस ब्लडी माउथ। दोस्तों, साल 2019 के हेल इन अ सेल PPV में द फिंड और सेथ रॉलिंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हेल इन अ सेल मैच हुआ था। इस मैच के दौरान सेथ ने फिंड पर बिल्कुल दया नहीं दिखाई और एक के बाद एक पूरे 11 बार द फिंड को अपना फिनिशिंग मूव कर्ब स्टॉप मारा, लेकिन फिंड पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिंड बार बार किक आउट कर देते थे और उठ जाते थे। यहाँ कोई भी हार मानने को ही तैयार नहीं था। अंत में रॉलिंस ने फिंड के सिर पर स्टील की चेयर, लैडर और लोहे के बक्से से वार करने के बाद हथौड़े से भी जानलेवा वार किया, जिस वजह से रेफरी को तुरंत ये मैच रोकना पड़ा। स्लेजहैमर जस्ट सेड वेट 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 नो 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 डोंट डू इट। इस तरह से जैसे तैसे करके सेथ ने यहाँ अपना टाइटल तो बचा लिया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा सके। दरअसल मैच के खत्म होने के बाद जब फिंड को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाने की तैयारी की जा रही थी तभी फिंड ने अचानक से उठकर सेथ रॉलिंस को मैंडिबल क्लो देकर उन पर हमला कर दिया और दो बार रॉलिंस को सिस्टर एबिगेल का स्वाद चखाया। फिर अंत में फिंड ने फिर से रॉलिंस को मैंडिबल क्लो दिया जिस वजह से उनके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगा था। यहाँ मैच को बीच में रोक देने की वजह से फैंस काफी नाराज थे, पर फिंड का इतनी मार खाने के बाद भी उठना और रॉलिंस की ऐसी बुरी हालत कर देना काफी हैरान कर देने वाला और डरावना पल था। नंबर 2, बर्नट फिंड डेब्यू। दोस्तों, साल 2020 के TLC PPV में रैंडी ऑर्टन ने फिंड को आग में जलाकर खत्म कर दिया था। फिर 2021 के फास्ट लेन PPV में जो हुआ उसे देखकर रैंडी ऑर्टन की रूह कांप उठी। दरअसल वहां जले हुए फिंड ने आकर रैंडी ऑर्टन पर बुरी तरह से हमला किया और एलेक्सा ब्लिस के खिलाफ रैंडी ऑर्टन को हरवा दिया था। इस तरह से एक बार फिर द फिंड ब्रे वाइट ने अपने नए कैरेक्टर के साथ फैंस को हैरान किया था। नंबर 1, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बाय द फिंड। दोस्तों, 8 नवंबर 2019 के स्मैकडाउन में सैमी जैन और डैनियल ब्राइन का बैकस्टेज सेगमेंट होता है, पर अचानक से द फिंड वहां आकर डैनियल ब्राइन को अपना शिकार बना लेता है। इसके अगले हफ्ते डैनियल ब्राइन ब्रे वाइट को यूनिवर्सल टाइटल मैच के लिए चैलेंज ठोक डालते हैं, जिसके जवाब में वाइट इनके चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद तो भाई साहब फिंड परछाई की तरह ब्राइन का पीछा करने लगे। 22 नवंबर के स्मैकडाउन में जब ब्राइन का मैच द मिस के खिलाफ हुआ था तो मैच के दौरान अचानक से द फिंड ने आकर ब्राइन को मैंडिबल क्लो लगाकर बेहोश कर दिया और ये सिलसिला जारी रहता है। इस दौरान कई बार फिंड डैनियल ब्राइन को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं जब रॉयल रंबल में इन दोनों रेसलर्स के बीच होने वाले स्ट्रैप मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की जा रही थी तब भी ब्रे वाइट की जगह फिंड ने रिंग में आकर पहले तो डैनियल ब्राइन पर हमला किया, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी आई तो फिंड ने पैन से नहीं बल्कि अपने खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये पल भी काफी डरावना था। तो दोस्तों,
द फिंड के इन 10 डरावने पलों में से आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।